कितने, चार है पांच? फाइव। और जो मेन है वो कौन है? द मेल वन इज हस्की एंड द फीमेल इज समर्ड। तो पांच ही गए, दो डॉग्स थे और उन दो डॉग्स ने पांच प्यारे प्यारे पिल्लों को जन्म दिया, जिसमें से एक मुझे ऑफर कर रहे थे, बाकी चार के चार रिजर्व हो गए। ले लो, बहुत रेयर है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जस्ट अभी अभी उठाऊं और उठते साथ जो है मेरा फोन बजना शुरू हो गया। हेलो, starting my day off with black coffee and apple cider vinegar and hot water. Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. क्या बात है बॉस, मैं मुंबई में इतने बाल कभी भी ग्रो इतने नहीं करता था, बिकॉज मुझे हेलमेट पहन के बाहर जाना पड़ता है एंड ऑफकोर्स धूप वो पॉल्यूशन से फिर बाल झड़ते हैं। इस बार अच्छा खासा मौका मिला घर में बैठे बैठे बाल बढ़ाने के लिए। आज मेरा सर ना कसम से बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आ रहा हूँ अपने सेंसेस में आ रहा हूँ। दिस इज माई सेकेंड कॉफ़ी और सोचो कि मुझे लंदन से आके एक महीने के ऊपर हो गया, मतलब आज 18 तारीख है तो मैं आया था 16 की रात को, 17 की सुबह। बाप रे बाप, सोचा नहीं था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी मम्मी का भी सर दुख रहा था, तो आई डिसाइडेड टू कम हियर एंड टॉक टू हर फॉर आवर्स। सर दुखने का सबसे एकमात्र इलाज है कि बस बात करो, बात करके सर दर्द चले जाता है। इसके लिए शायद ये व्लॉग दो दिन बाद आएगा। एनीवेज, आई गॉट टॉक। अच्छा वाला वर्कआउट हुआ, ऑब्वियसली जितना दिखाया उतना नहीं और ज़्यादा किया है। एंड वर्कआउट के बाद मेरा सर जो दुख रहा था वो भी चले गया है एंड माई मदर इज ऑल्सो फीलिंग वेल। मम्मी को कुछ नहीं, मम्मी ने चाय बनाई, चाय भी मम्मी ठीक, अपन वर्कआउट के बाद ठीक। और जो इंस्टाग्राम का सीन मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, मुझे काफ़ी सारे मेल आए कि उनका भी अकाउंट हैक होने की कोशिश होता है, पर अपना तो ऑलमोस्ट एवरी डे रीसेट कोड आता है फेसबुक इंस्टाग्राम का, इनफैक्ट गूगल तक आता है। कभी कोई पाकिस्तान में बैठा है, कभी कोई बांग्लादेश में बैठा है, कभी कोई यूके में बैठा है। आई थिंक लोग वीपीएन यूज़ करते हैं और आईपी एड्रेस जम मार मार के। तो अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जरूर करना, NIKKKHIL। आजकल मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, अपने पुराने ब्लॉग्स देखता हूँ जो मुझे पर्सनली ब्लॉग अच्छे लगते हैं, बिकॉज जो दो साल तीन साल पुराने हैं उनको मैं छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के भी इंस्टाग्राम में डालूंगा, बिकॉज पोस्ट करने के लिए फोटो तो है नहीं तो पुराने ब्लॉग्स ही से, बिकॉज सब लोगों ने सारे ब्लॉग्स नहीं देखे ना इसीलिए। और मुझको भी गुड न्यूज़ मिली है, मैं शानिस से बात करा तो शानिस शायद कल हीरानंदनी हॉस्पिटल आएगी, तो मैंने बोला हीरानंदनी हॉस्पिटल आ ही रही है, अपना घर बाजू में, घर पर आ जाए थोड़ा एक दो वीडियो भी शूट कर लेंगे। और उससे याद आया कि मुझे भी डीमार्ट जाना था, एक्चुअली रात को डीमार्ट जाना बेटर रहता है, बिकॉज दिन में डीमार्ट जाओगे ना तो 400 फुट का गैप रखकर खड़ा रहना पड़ता है, तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए बेटर टू गो एट नाइट। अभी मैं जल्दी सो जाता हूँ तो रात में जाना मेरे लिए मुश्किल है। अमजद दो रात से मुझे बुला रहा था, मैं बोला आज रात को या फिर कल सुबह सुबह अपन जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ठीक है कौवा, कौवे ने घोसला भी बना दिया। बहुत सालों के बाद मैंने यहाँ पर कौवे का घोसला देखा है, पहले बहुत बनाते थे बाद में बनाना बंद कर दिया। चलो ये देख के भी अच्छा लगा। अभी घर का राशन थोड़ा कम हो गया तो प्रॉब्ली डीमार्ट जाके लूंगा, और शायद डीमार्ट 20+ हो गया ऐसा अमजद मुझे बोल रहा था। अभी एक दिन के लिए हुआ था, एक हफ्ते के लिए हुआ मुझे नहीं पता। इट डजन रियली मेक सेंस कि नहाने के बाद टेरिस में आओ गर्मी में, लेकिन मैंने बोला था ना कि हेयर ड्रायर से हमेशा बाल सुखाना सही नहीं, और बाल लंबे हो गए तो मुझे बाल सुखाने की जरूरत है, इसलिए 5 मिनट टेरिस पे आओ, धूप से सूख जाएंगे और वापस चले जाओ। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन, 10-15 मिनट, बिकॉज आजकल बाहर ही निकलते ना इसीलिए। आई थिंक इतना काफ़ी है। बाप रे बाप, क्या कर रहा मैं यार, मैं सोच रहा हूँ जब लॉकडाउन खुलेगा तो कितने लोगों की आदत छूट जाएगी। चलो भाई बहुत हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, आई गो बैक टू। और आप देख सकते हो मेरा नेचुरल ब्लैक कलर भी काफ़ी विजिबल है अभी, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। गर्मी का सीज़न मतलब आम का सीज़न, हमारी बिल्डिंग में आम का पेड़ है, तो अभी बस वॉचमैन ये आम देखे गया, ऑफकोर्स उसको पकने को टाइम लगेगा। वैसे तो आई एम मार्वल फैन बॉय, लेकिन मुझे डीसी उतना ही पसंद है जितना मुझे मार्वल पसंद है, और स्पेशली उसमें जो सुपरमैन और बैटमैन की मूवी है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो सुपरमैन की मूवी में सुपरमैन रिटर्न जो है, ये पुरानी वाली सुपरमैन रिटर्न, मुझे करंट सुपरमैन से थोड़ी बेटर लगती है, बिकॉज इस मूवी में थोड़ी रॉनस है। आजकल की हर मूवी में इतना VFX होता है कि वो एक रॉनस मिसिंग हो जाता है जो कि सुपरमैन रिटर्न में है। नहीं देखिए तो अमेजन प्राइम है, देख लो। आज ब्लैक कॉफी को ज़्यादा है और वैसे मैंने दिन का 2 लिमिट करके रखा है, लेकिन ये मेरी चौथी है, आज मन कर रहा है फालतू बातें, लेकिन कर रहा हूँ आप लोगों से, ये करता हूँ मैं दिन भर, ब्लैक कॉफ़ी पियो, जो मूवी नहीं देखी है वो देखो। अभी सुपरमैन रिटर्न के बाद मैं देखूँगा बैटमैन वी
Batman v Superman. क्या बात है सर? माँ बहने को कही है पवई की दुकान पे तो आपका फोन है, ये लो पहले. अरे उसे मैंने मसाला मिल का तारीफ करने लेके आ गए. ओह माय गॉड, इतना हाफ क्यों रहे हो? बड़े दिनों बाद कोई हमारे घर आया, बड़ा अच्छा लग रहा है. मेरे सारे आउटलेट्स ऑल ओवर बॉम्बे है तो इसलिए जाना पड़ता है. कैरी खाऊं? हाँ ले लो ना सर. सोहन भाजी तो फुल प्लानिंग के साथ है, अपने लिए वेज बिरयानी भी ले गया है. तब खाना पीना सब इधर लंच करने का प्लान आए थे. डॉक्टर बोलता है दो घंटे में. देखी देखी लग रही है ये. यूएस में ली थी ना अपन जब गए थे. आज फर्स्ट टाइम पहनी. हाय हाय, इतना अच्छा लग रहा है ना किसी से आमने सामने बात करके घर में बता नहीं सकता सर. ऐसा तो इतने से मम्मी से ही बात कर रहा था आपसे फोन पे. हर रात को हम लूडो खेल रहे हैं. रात को मतलब मेरे लिए सुबह सुबह 4 बजते हैं, इनके लिए रात होती है. और सेकंड थर्ड. लेकिन कल रात को बहुत बुरा हो गया सर. कल बैक टू बैक हारा मैं लास्ट. इतना बुरा लगता है ना. जसपाल सर ने बदला निकाला मेरा. वो फोन पे जो मैंने पूजा बन के बात की ना, तो अभी लूडो में बदला निकाला. ये सही नहीं है. आपका क्या? उस दिन आपका 6 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया और मैं लास्ट में था. तो सोचो मेरी कितनी जल्दी. सोरन भाजी बहुत आगे थे, बोला आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. मेरा 6 आया, मैं आ गया. फिर 6 आया, आ गया. फिर 5 आया, सोरन भाजी को आउट कर दिया. सब जल गए मेरे सब अरमान. अगर आप लूडो नहीं खेल रहे हो ना, जरूर लूडो किंग डाउनलोड करो. एक नंबर, सुपर मजा आती है बस खेलने के लिए. अपन तो उसमें जी रहे हैं यार, मतलब उसमें ही टाइम पास हो रहा है. परफ्यूम में क्या है? परफ्यूम एक्चुअली गाड़ी में कभी पहले फ्रेंड्स. नाम क्या है? नो आइडिया. बट पहले क्या फ्रेंड्स होते थे ना, तो कोई ना कोई छोड़ ही देता है. क्या परफ्यूम है? अरे लेकिन वो अलग परफ्यूम छोड़ते हैं. आप, तो मुझे ये परफ्यूम आप लोगों को पता नहीं, इन्होंने जो परफ्यूम लगाया ना वो फर्स्ट क्लास के अरेबिक अल्तारी फल्तारी लोग लगाते थे. और वो बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है और नाम नहीं मालूम आपको. ऐसे तो नहीं कोई? ओह माय गॉड, आई एम नॉट जसपाल. तो अभी तो बात नहीं किया मुझसे. कल तो लूडो में कर रहा था ना. लूडो में तो बस हार मान जाओ, हार मान जाओ. बस वो तो ऐसा बोलते ना, ईगो निकल रहे थे उसका. तो इतना खुश हुआ वो. बच गया. तो कितने? 4 या 5? 5. और जो मेन है वो कौन है? The male one is husky and the female is samoyed. तो 5 के 2 dogs थे और उन 2 dogs ने 5 प्यारे प्यारे पिल्लों को जन्म दिया, जिसमें से एक मुझे ऑफर करे थे, बाकी 4 के 4 रिजर्व हो गए. ले लो, बहुत रेयर है सर. किसी महान आदमी ने कहा है, if you cannot take care of a dog, don't have a dog. अभी अगर मुझे मालूम होता है लॉकडाउन इतना हो जाएगा, फिर आगे भी होने वाला है, तो मैं एक पिल्ला रख लेता. बिकॉज अभी कुत्ता इज द बेस्ट फ्रेंड. 100% ट्रस्ट मी. वीडियो फोटो है? है, मैं आपको देता हूँ मोबाइल. आप देखो. प्यारे यार बॉस मेरा, सच में मन कर रहा है मैं एक रख लूं. मेरे को 24 तक का टाइम दो, जरा मम्मी से पूछता हूं, क्योंकि अभी तो घर पे ही रहना है. मैं ट्रस्ट मी. और थोड़ा चाहूं ना 1.5 से 2 लाख का बेचो, बट आई डोंट वांट टू सेल. सीरियसली ना, महंगा बिकता है. दे आर रेयर सर. व्हाइट समॉयड 1.5 लाख का बिकता है. व्हाइट हस्की इज वेरी रेयर. आई हैव गॉट द व्हाइट हस्की एंड व्हाइट समॉयड. अगर आपको डॉग्स के बारे में तो कमेंट करो, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट व्हाइट हस्की, व्हाइट रेयर हस्की, रेयर हस्की एंड व्हाइट समॉयड. समॉयड तो रेयर हस्की क्या होता है? व्हाइट कलर का हस्की बहुत रेयर है इंडिया में, वेरी रेयर. तो उसको पूरा टाइम इसी में रखना पड़ता रहेगा ना, मेरे जैसा. मेरे जैसा. तो गाइस आप लोग कमेंट करो, शुड आई टेक द डॉग ऑर नो. नाम क्या है? एक का नाम लियो रखा है, एक का नाम डेनिस. और बाकी 3 पब्लिक अभी बताया कुछ फीमेल्स का? अच्छा, मैं मेरी मम्मी पटती है तो मैं एक ले लूंगा. 100% ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. क्या लगता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो सोरन भाजी खा रहे हैं अपनी वेज बिरयानी, लेकिन मुझे तो अपनी मम्मी का खाना खाना, तो मैं इधर आ गया. फायदा है अभी ठीक है ना? ठीक है. सब बोलेंगे मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी मम्मी को खाना बनाने बोल रहा है. मैंने जब दाल ही तो बनाई है बस. ये मम्मी कैमरे में नहीं बोलेगी, मैं बोलता हूँ. मम्मी जब मेरे लिए खाना बनाती है ना, तो मम्मी की ऑटोमेटिक तबीयत ठीक होना शुरू हो जाती है. बचपन से ऐसा ही है. आई एम प्रीटी श्योर आप लोग की सबकी मम्मी का यही सीन रहेगा, कितनी भी बीमार हो उठेगी खाना बनाएंगे तब ठीक हो जाएगी. और खुद लास्ट टाइम कभी खाया था? अच्छा बोलो ना, कब खाया था? मैंने परसों खाया था. परसों? क्या? हाँ. अभी तो कल बोल रही थी. कल नहीं खाया. तो मेरी मम्मी ने 2 दिन पहले खाना खाया. हाँ. कितनी गलत बात है मम्मी. अरे भूख नहीं लग रही. अभी जब मैं बोल रहा हूँ खाओ, नहीं खाने का है, और कुछ बाहर से लेके आता हूँ वो नहीं चाहिए. बाहर से तो नहीं खाऊंगी. तो फिर घर का इतना टेस्टी खाना. जब मेरे को भूख लगेगी मैं खा लूंगी. कितना नाटक रहता है मम्मी लोग. नाटक नहीं है, भूख नहीं है. अभी गलत है ना मम्मी? अरे कुछ गलत नहीं है. अरे तुम खा लेगा तो मैं कसम खाओगी तुम भी. मेरा मम्मी का आज का नहीं है, मैं बचपन से ये देख रहा हूँ. कभी कभी मूड नहीं होता है तो एक एक दो दो दिन खाना नहीं खाती. बट अभी अलग बात है ना, अभी थोड़ा टेंशन आता है. और टेंशन की बात करूँ तो कैसा है ना गाइज, मेरे को डॉग्स मेरे को बहुत पहले से चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है मेरे कुछ दोस्तों के पास डॉग्स थे, जब वो मैंने डाए पूरी फैमिली जो है डिवास्टेड हो जाती है. वही सीन का मुझे टेंशन रहा, बिकॉज मैं इमोशनली अटैच हो जाऊंगा. मुझे पता है फिर कुछ छोड़ के जाना, उसके बिना नहीं रहना, ऐसा मेरे अंदर से मन कर रहा है आई शुड टेक अ डॉग.
When the good becomes bad and bad becomes good, that is the time you realize that ये दुनिया क्या बन चुकी है. अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया then don't forget to hit the like button. नए हो सब्सक्राइब करो and don't forget to follow me on Instagram and @triplegaychil. With that said, as always, शुक्रान अलविदा, मा सलामत, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू आर माय लवली फ्रेंड्स. बस अभी यही हो रहा है अपनी दुनिया में तो वही बता रहे हैं. बिग थम्स अप फॉर सोरन पाजी की वो आए थोड़ा व्लॉग में जान डाली. ऐसे ही कल शैनिस भी आ जाए थोड़ा व्लॉग में और जान आ जाएगी. थोड़े वेर गाइज, मिलते हैं कल. चबक है.